हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसमें टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल वैकेंसियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जो वाटरवेज हैं उनके लिए एक अथॉरिटीज है, जिसका कि मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। जैसा कि आप लोग इसमें एड्रेस देख पा रहे होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। दोस्तों, इसमें जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका कि विज्ञापन संख्या आपका ये दिया गया है IWAI 1701/2024 एडमिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 7 अगस्त 2024। दोस्तों, 7 अगस्त को ये लेटर इशू हुआ था, जिसमें कि निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंस डेट हैं, जो आपका फॉर्म ओपनिंग हुआ है वो आपका 16 अगस्त को, और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई थी वो आपकी 15 सितंबर को, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 21 सितंबर तक। दोस्तों, इसमें जो आपका पहला वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर, ये लेवल 10 की वैकेंसी है। इसमें आपकी अपर एज लिमिट 35 साल मांगी गई है। दो वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि आपका एक मैकेनिकल का और एक सिविल का। मैकेनिकल का आपका अनारक्षित का है और सिविल की आपकी OBC का है। इसी प्रकार जो दूसरा पद है वो आपका असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो ये भी आपकी लेवल 10 की वैकेंसी है, इसमें भी आपका एक पद है। और इसके बाद है लाइसेंस इंजीनियर ड्राइवर, लेवल 6 की वैकेंसी है, इसमें भी आपका एक पद है। और जूनियर अकाउंट ऑफिसर और आपका ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर, स्टोर कीपर, मास्टर सेकंड क्लास, स्टाफ कार ड्राइवर, मास्टर थर्ड क्लास, और आपका एमटीएस के बीच में 11 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और जो आपके लायक वैकेंसी है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग, नोवेल आर्किटेक्ट। दोस्तों, ये आपकी सिविल से संबंधित वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसका कि पे स्केल आपका बेसिक रहेगा 35,400 और आपका अपर एज लिमिट है आपकी 30 साल, जिसमें कि आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपर एज लिमिट। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 4 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जनरल की 2 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका एक सिविल और एक मैकेनिकल, एक आपकी OBC की है, जिसमें कि आपका एक मरीन इंजीनियर, दूसरी आपकी ST की है, जिसमें कि आपका नोवेल आर्किटेक्ट है। दोस्तों, इसमें आपकी ओवरऑल देखा जाए तो सिविल के लिए एक पदों के लिए विज्ञापन हो रहा है, और ओवरऑल टेक्निकल के लिए 4 के लिए हो रहा है, जो कि आपकी डिप्लोमा बेसिस पे है। दोस्तों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है, इसमें आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, और आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आपका ड्रैगिंग कन्वेयरिंग वर्क और रिवर ट्रेनिंग और मार्किंग ऑफ फेयरवे DC। दोस्तों, आपका रिवर से संबंधित, वाटर बॉडी से संबंधित आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी प्रकार आपका असिस्टेंट हाइड्रोग्राफ सर्वे की है, उसमें भी डिग्री इन सिविल मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है सिविल के लिए। दोस्तों, इसमें आपके 2 पैरामीटर हैं, डिग्री के लिए भी आपकी वैकेंसी है और डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी है, बट दोस्तों इसमें डिप्लोमा के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और BTEC के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी अपर एज लिमिट आपकी 28 साल है, और अगर आप SC ST हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है आपकी 500 रुपये, जो कि आपकी जनरल OBC के लिए रहने वाली है, और आपका SC ST PWD EWS में 200 रुपये रहने वाली है। दोस्तों, आपको एप्लीकेशन पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ETC। दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करके आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। दोस्तों, इसमें हाउ टू अप्लाई, आपको आवेदन कैसे करना है, आपको जाना है IWAI के होम पेज पर, और फिर आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। आपको आवेदन संबंधित लिंक मिल जाएगा, इसमें कि आप जाकर स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 21 सितंबर रात को 11:59 पर आपका जो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वैकेंसी को देखिए, इसमें टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल सारे पदों के लिए आवेदन हो रहा है। आप जिस
पोस्ट से संबंधित हैं जिसमें एलिजिबल हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।